ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम मालूम करने जा रहे हैं कि हमारे पास काउंट इफ फार्मूले का काम क्या होता है एमएस एक्सेल के अंदर। देखिए, आप ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ चुके हैं काउंट के नाम से, जिसमें हमें वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताता है। एक होता है टोटल वैल्यू बताना, एक होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताना, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे आता हूं और लिखता हूं इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसको तकरीबन वो आइटम दूंगा तो ये मुझे मालूम करके बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 8 है। लेकिन ये काम करता था वैल्यूज के ऊपर, काउंट ऑफ काम करता है स्ट्रिंग के ऊपर, यानी इन तकरीबन स्ट्रिंग्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, यहां पर आते हैं और काउंट ऑफ को यूज कर लेते हैं। अब देखें, अब है टोटल 8 आइटम, लेकिन अगर मैं मालूम करना चाहता हूं टोटल लैपटॉप कितने हैं, टोटल यानी इन तकरीबन चीजों में से कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का पूछना कि हमें मालूम है कि 20 आइटम है लेकिन लैपटॉप कितने हैं, तो आपको बताएगा कि 5 है, टैबलेट कितने हैं, आपको बताएगा 4 है, ऐसे ही है ना। तो इस तरह से काउंट ऑफ उस तरह के कामों के लिए होता है जहां पर किसी भी एक तरह की कैटेगरी पे काम किया जाता है। काउंट ऑफ लिखा ब्रैकेट स्टार्ट, आपसे पूछ रहा है रेंज, तो आप रेंज में सिर्फ और सिर्फ ये आइटम्स लेकर के देंगे, उसकी वैल्यूज नहीं देंगे, ये लाजम है। क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ जो आपके स्ट्रिंग है, यानी टेक्स्ट है जो आप काउंट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा देके आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया कि इन तकरीबन रेंज से मैं क्या आप देंगे जो मैं ढूंढूं, तो आप बोलेंगे कि मैं यहां पे लिखूंगा, जो भी लिखूं वो यहां से ढूंढ के मुझे बताओ कितने हैं। सपोज मोबाइल कितने हैं, या मैं लैपटॉप लिखूं तो कितने हैं, मालूम करके बताओ, सही है। और इसके बाद आपने इफ 3 के बाद कवर करना है और इंटर लगा देना, तो आपको बता रहा है मोबाइल कितने हैं, 1 है, और उसके ऊपर हमने सब में पढ़ा था प्रीवियस सेशन के अंदर, तो वो अप्लाई है। अब मैंने इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई किया है, मैं यहां से इससे पूछता हूं टैबलेट कितने, तो आपको बता रहा है 2 है, सही है। और इस रेंज के अंदर कल को आपने किसी प्रोडक्ट का नाम चेंज करके कोई और दे दिया, सपोज टैबलेट दे दिया, तो देखो ऑटोमेटिक वहां पे 3 हो गए। इसी तरह से कल को सपोज इसको भी मैं टैबलेट कर देता हूं, तो आपको बता देगा कि 4 हो गए। कौन से क्लियर है? और अगर भी प्रोडक्ट आपकी यहां पे नहीं होगी तो आपको वो बता देगा कि यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से दैट देयर इज अ वॉच है, ठीक है। लिस्ट के अंदर वो चीजें इंक्लूडेड है 1 by 1, सही है। हम इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि लिस्ट के अंदर वही आइटम है जो संभल रहे डुप्लीकेट नाम, सही है। चले, अभी के लिए ये था कि हम काउंट इफ को किस तरह से यूज करते हैं, उसका काम क्या है। चले जी, नेक्स्ट पे कुछ और।